मिशन रक्षक महाअभियान के दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला हमीरपुर के विभिन्न पंचायतों में जाकर वहां के मूल निवासियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की परिस्थितियों में काफी सुधार आया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मिशन रक्षक के नाम से जिला हमीरपुर में लोगों को तीसरी लहर को लेकर जागरूक करने का महाअभियान शुरू किया है, जिसमें परिषद हमीरपुर की सभी पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख महेश कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिशन रक्षक अभियान के तहत जिला हमीरपुर के विभिन्न पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से विनम्र आग्रह किया है कि सभी घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर के कार्यकर्ताओं ने मिशन रक्षक अभियान के तहत कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और साथ में उन्हें बताया कि अपने बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाएं। और विद्यार्थी परिषद यह आह्वान करती है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और समय समय पर मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें।